अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले थे मैसूर पाक, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी बदली हो गई है। बनाने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। अब आप पूछे क्यों क्यों हमने चेंज किया मैं रेसिपी। तो आज हमने चेंज किया रेसिपी और बनने जा रहा है मोतीचूर का लड्डू। ये चेंज क्यों, कैन यू गेस? कोई सरकार बदली है अभी तक? नहीं, नॉट इन कैनेडा। कोई त्योहार है आज? नहीं। तो चलिए आपको शेयर करते हैं। आज हमारे घर में एक नन्ही परी आई है, हमारी बेटी के घर में बेटी हुई है माशाल्लाह, और इसको हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं मोतीचूर के लड्डू के साथ और आप सबके साथ। अब कोरोना वायरस की वजह से हम अपनी बेटी के पास जा नहीं सके इस खुशी के मौके पे, तो सेलिब्रेट करने के लिए ये फैमिली और आप सब, टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेरे बेटा बहू और बेटी, दामाद और उनके बच्चे, सबके लिए, सबके साथ इसको हम इंजॉय करेंगे। और आप लोग भी बना करके इसको सेलिब्रेट कीजिए। और लेट्स स्टार्ट। दिस रेसिपी इज रियली सिंपल, एंड लड्डू से बढ़ के क्या सेलिब्रेट करने के लिए चाहिए आपको? इसमें सिर्फ बेसन, मेजर इंग्रेडिएंट्स इज बेसन, चीनी एंड घी। हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सम बादाम और पिस्ता ऑप्शनल, फूड कलर लेमन, ज़ाफ़रान, क्योड़ा वाटर, इलायची, चॉइस इज योर्स। इसमें 4 चम्मच दूध पहले मिलाएंगे। ये 1 कप बेसन है और इसको हमने छलनी से पहले छान लिया है, और थोड़े थोड़े पानी मिला के, ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े, हम इसका घोल बनाएंगे। देखिए फूड में कितना फन है। इसी सेम इंग्रेडिएंट से आप मैसूर पाक बना सकते हैं, बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं, और है ना मज़े की बात। बस ये वो लड्डू है, कहते हैं ना लड्डू, वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो इस लड्डू में जो ना खाए वही पछताए, जो खाए वो नहीं। आई थिंक इसका मीनिंग है जो खाए वो पछताए, कि मतलब ही वॉन्ट्स टू ईट मोर, और जो नहीं खाया वो तो ऐसे ही बेचारा पछताया हुआ। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, उससे लड्डू का कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। एंड और जो लोग नहीं डालना चाहते, इफ़ यू आर कॉन्शियस अबाउट द कलर, ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी हेल्दी, बट येस, वंस इन अ वाइल व्हेन यू वांट टू सेलिब्रेट यू वांट इट विद कलर एंड टेस्ट, राइट? देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। इसमें थोड़ा 1 चम्मच और पानी मिलाएंगे। इसमें चाहिए तो आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, वरना ऐसे ही सही है। इस बेसन की हम बूंदिया बूंदिया बनाएंगे, और ये घी में, हम देसी घी में फ्राई कर रहे हैं। आप चाहिए तो वो वनस्पति या तेल में भी कर सकते हैं, फिर भी बहुत टेस्टी बनेगा, बट घी की तो घी 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 होता है। ओके, इसको इधर रखेंगे। जाली वाला ऐसा डिब्बा है, बस वो हलवाई के पास तो वो छड़ना होता है। इससे हम ऐसे ऐसे गिराते जाएंगे जितना हमको चाहिए। तेल गरम होने दीजिए। तेल गरम हो चुका है, इसको मीडियम पे कर दिया हमने, और इसकी कंसिस्टेंसी एक बार और। अगर आप बेसन घोल के छोड़ देंगे वो गाढ़ा होता जाएगा, तो आप देख लीजिए जब बनाते इस वक्त, आपका ऐसा होना चाहिए। तो ये इस पे हमने रखा, कोई भी तरह की छलनी रख सकते हैं आप। इसको ऐसे रखेंगे और इसमें थोड़ा पोर करेंगे। देखिए कितने अच्छे छोटे छोटे बूंद बने हैं, इसको अच्छा क्रिस्प सा तल देंगे।
अगर आपके पास अच्छा वाला झरना है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, अगर कर सके तो वेरी गुड। एक ऑप्शन और आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास छलनी नहीं हो और या आपको छोटी बूंदी बनानी है तो ये प्लेन वो छलनी क्या कहलाता है वो है, उस पर हमने एल्युमिनियम फॉइल को लपेट दिया है दिस लाइक दिस, और इसको हम छोटा छोटा सुराख कर देंगे तो इससे बहुत ही अच्छा आता है। सिंपली एल्युमिनियम फॉइल प्लेन इसमें करके, अगर आपके पास अच्छा वाला बड़ा वाला है देन इट्स वेल एंड गुड, काम चलाने के लिए यू कैन डू दिस। आई थिंक इट्स रेडी टू गो। इससे अच्छा नहीं, कितनी अच्छी देखिए कितनी महीन बुंदी। तो इस तरह से हमने दोनों तरह से दिखा दिया, मोटी और थोड़ी महीन वाली। देखिए कितना अच्छा हुआ है, इसको हम लोग हाथ से चूर लेंगे, लेकिन इसके पहले सिरप बनाने चलते हैं। तो इसका सिरप के लिए हमने 1 कप शुगर, 1/2 कप to 3/4 कप ऑफ वाटर, इसको हम मिलाते रहेंगे। इसका बहुत ना तो बहुत पतला बनाना है ना बहुत गाढ़ा बनाना है, स्टिकी कंसिस्टेंसी बनानी है। अब नाउ इट्स योर ऑप्शन, आप इसमें इलायची पाउडर देना चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर केसर या ज़ाफ़रान के कुछ स्ट्रिंग्स डालेंगे खुशबू के लिए। वाओ इसमें 1 तार या 2 तार नहीं के देखना, बस देखना स्टिकी होना चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स 1 or 2 ड्रॉप्स लेमन डालेंगे कि क्रिस्टल नहीं फॉर्म हो। शीरा चेक करते हैं, अभी और थोड़ा सा होगा। देखिए शीरा थोड़ा स्टिकी हो गया है। देखिए अभी इस पॉइंट पर हम इसको बिल्कुल धीमा कर देंगे, और मेरा जो ये है बूंदी इसको हम, हाँ देखिए कितने मज़े से क्रश हो रहा है, इसको क्रश करके, अगर शीरा बहुत गाढ़ा हो गया तब भी इसके अंदर शीरा नहीं जाएगा और बहुत पतला भी नहीं रहना चाहिए। इसको डाल के हम थोड़ा सा पकाएंगे, हाँ 1/2 टीस्पून केवड़ा डाल देंगे, थोड़ा बादाम और पिस्ता डाल देंगे, और इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। हमने हाथ में घी लगा ली है और इस ठंडा हो चुका है, बहुत ठंडा नहीं हुआ, और साइज इट्स अकॉर्डिंग टू योर, अपनी मर्जी होनी चाहिए, इफ यू लाइक टू बिग इफ यू लाइक टू स्मॉल। चलिए कुछ बड़ा कुछ छोटा बना के दिखाते हैं, उसको अच्छी तरह बांधना होगा पकड़ के ना, ताकि लड्डू बंधे लूज नहीं हो। घर में भी आप मोतीचूर का लड्डू बना सकते हैं, लड्डू बनाते वक्त दाब दाब के लड्डू बनाइए कि खुल ना पाए, अगेन साइज इज योर चॉइस। आई डोंट नो कोई जगह होती थी कहीं चढ़ावे का लड्डू होता था या क्या, उसमें एक एक लड्डू 1-1 किलो के होते थे, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस, याद आएगा तो आप लोग को बताएंगे। या गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर,
subscribe if you have not yet subscribed. If you're new, somebody new who's watching my video, please subscribe. It only takes 2 seconds, less than that. And I know some of you are watching and not subscribing. Keep watching my video. I'll be making जो आज हमने कैंसिल किया, दैट्स मैसूर पाक. वो भी बहुत अच्छा मीठा है, वन ऑफ अ काइंड. वेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी आई हैव फॉर दैट. प्लीज कीप वॉचिंग, डोंट मिस एनी ऑफ माई रेसिपीज. आपको इजी और सिंपल वे में सीखने को मिलेगा. एंड आई लव व्हेन यंग गर्ल्स लाइक कॉलेज गोइंग एंड स्कूल गोइंग किड्स गर्ल्स दे कॉल मी एंड से आंटी आपकी रेसिपी बहुत ईजी थी और हमने ऐसे झटपट बनाई. गिव मी फीडबैक इफ़ यू मेक एंड इफ इट टर्न्स आउट गुड. अगर आपसे कोई चीज़ ख़राब भी होती है फर्स्ट टाइम, इट्स नॉट अ बिग डील. डू मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो आई गिव यू अनदर. मैंने कोई और टिप आसान सा देंगे. माई रेसिपी इज़ लाइक जो कुकिंग में न्यू है उनके लिए भी आसान और सिंपल हो जाए तो क्या बात है. बड़ी खुशी होती है व्हेन यंग पीपल लाइक यंग या बड़े भी होते हैं तब भी अच्छा लगता है. आप सब मुंह मीठा कीजिएगा प्लीज, ट्राई करके बना के. मेरी खुशी में आप की खुशी भी शामिल होनी चाहिए और आपकी खुशी में मेरी. प्लीज शेयर इफ यू वांट टू नो समथिंग टू मेक फॉर एन अपकमिंग इवेंट इन योर फैमिली और विथ योर फ्रेंड्स. Any tips, any decoration ideas, I will help you with that. Achha, thoda sa badam aur pista. ऐसे भी अगर लॉकडाउन में हम तो अभी भी बाहर से मिठाई और ये नहीं मांग, कुछ भी खाने वाली चीज नहीं करते हैं. Although the government allows you and people are having, I don't. जब घर में इतने अच्छे लड्डू बन जाए तो फिर क्या जरूरत है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग विथ माई हैप्पीनेस एंड प्लीज ट्राई हाउ टू मेक. थैंक यू.